नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इंपो तो भाई लोग आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट लेके आऊँ आपके लिए जहाँ पे आप जो है मल्टीपल बेनिफिट उठा सकते हैं मल्टीपल बेनिफिट उठाने का मतलब ये हुआ कि आप अपना कंटेंट जो क्रिएट करते हैं आप अपने वेबसाइट के लिए या फिर अपने जो भी कॉन्टेंट किसी तरह तरह का वेबसाइट है आपका तो कॉन्टेंट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं यहाँ से आपको बैटलिंग भी मिलेगा ठीक है तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर बेनिफिट ये है कि आपको ऑर्गेनिकली सर्च में आने का पूरा का पूरा अच्छा खासा चांसेस है इसमें चौथी बेनिफिट ये है कि साइट जो है आप मान लीजिए कि ऑर्गेनिक सर्च में नहीं आ पाए तो ऑर्गेनिक सर्च के सजेशंस में जरूर आ जाइएगा क्योंकि ये जो साइट का स्ट्रक्चर है जो मैंने एनालाइज़ किया इस साइट को उस हिसाब से मैंने जो देखा है उसके हिसाब से देखा है तो ये साइट जो है ऑर्गेनिकली सर्च में आपको सजेशन में भी दिखाता है और ऑर्गेनिक सर्च में भी आने के चांसेस हैं अच्छे खासे कीवर्ड इस साइट के जो है ऑर्गेनिकली रैंक हो चुके हैं तो ये सब कुछ पूरा डिटेल आपको एक एक करके बताऊंगा कुछ चीज़ें लाइव दिखाऊंगा भी आपको करके और जो मेरा पूरा एनालिसिस है वो बताऊंगा तो इस साइट को ओनली गेस्ट पोस्ट के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ गेस्ट पोस्ट करके हट जाइए इसको यूज़ कीजिए अच्छे से दवा के यूज़ कीजिए जो ये साइट है इस साइट का स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले दिखाता हूँ आपको आरिफ रैंक ठीक ठाक है इसका सात लाख के करीब है यू रेटिंग जो है इसका छप्पन है और डोमेन रेटिंग और जो है वो फोर्टी है लगभग साढ़े लाख बैकलिंग्स हैं इस पर और रेफरिंग डोमेन लगभग नाइन है और ऑर्गेनिक कीवर्ड नौ सौ तिहत्तर ऑर्गेनिक कीवर्ड है देखा जाए तो साइट जो है ओवरऑल इट्स अ गुड वेबसाइट इट्स इट्स अ ग्रोइंग वेबसाइट जो आप देख सकते हैं इसका जो ग्रोथ है ये रैंकिंग डोमेन रैंकिंग जो बैकलिंग का रेफरिंग डोमेन से मिला है या फिर पेज रैंकिंग जो देख रहे हैं इसका आप रेफरेंस पेज रेफरिंग पेज का है या फिर यहाँ पे डोमेन रेटिंग जो है ये ये ग्रोइंग है इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइट ग्रोइंग है और इस पर काम बहुत तेजी से हो रहा है ये अगर आप इसमें देखिएगा तो डेट वाइज भी आ रहा है ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर को लास्ट इंडेक्स हुआ है यानी कि आज तो ये इस बंदे पे इस साइट पे लोग काम कर रहे हैं एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं इसको उठाने की ठीक है तो ये इसका ऑर्गेनिक कीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा वो आर्टिकल पब्लिश करना मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है लेकिन इन चीज़ों को समझिए पहले कि कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा 973 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं बहुत सारे जो कि यूएस में इंडेक्स हैं इंडिया में इंडेक्स है कुछ हमारे गल्फ कंट्री जो जो नेबर्स हैं हमारे उसमें इंडेक्स हैं ठीक है थीके? तो ये ये सारे कीवर्ड इंडेक्स हैं और मोस्टली आप देखिएगा तो सेकेंड पेज फर्स्ट पेज सेकेंड पेज फर्स्ट पेज पर बहुत सारे कीवर्ड इसके इंडेक्स हो चुके हैं ठीक है टिल ट्वेंटी ट्वेंटी तक आपको सेकेंड पेज है तो देखा जाए तो तीसरे पेज तक तीसरे पेज तक आते आते इसके लगभग 60 परसेंट कीवर्ड्स फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट परसेंट कीवर्ड जो है उसके तीसरे पेज पे है यानी कि पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है साइट को रैंक कराने के लिए और ये जो आर्टिकल्स जो हैं जो आर्टिकल जो आप की जो दिख रहा है आपको ये की जो है हम जो पब्लिश करेंगे आर्टिकल उन्हीं के की वर्ड्स हैं ये ठीक है थीके? तो इन्हीं की में से जो इंडिया में जो कुछ कीवर्ड्स हैं इसके जो रैंक हुए थे उसको मैंने चेक किया जैसे कि ये हमारा इंडिया में कीवर्ड रैंक हुआ था सिलेनियम ग्रिड एक्स्ट्रा करके ये है तो आप देखिएगा तो ये साइट का यू आर आई जहाँ पर ये खुला हुआ है ठीक है यानी कि ये सेकंड पेज पे मुझे दिखा सेकंड पेज कुछ की वर्ड इसके फर्स्ट पेज पे भी हैं ठीक है वो वो या आप सेकेंड पेज पे मैंने इसको देखा है यहाँ पे ये रैंक हो रहा है अब इस आर्टिकल को मैंने खोला है यहाँ पर ठीक है ये होम पेज ही खुला हुआ है तो इसको इसको खोल लेते हैं आपको दिखा रहा हूँ एनालिसिस क्या है आर्टिकल पब्लिश करना ईजी है लेकिन बेनिफिट क्या होगा क्या मिलेगा कैसे मिलेगा तो ये देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आया यानी कि गूगल से आपको डायरेक्ट ट्रैफिक मिल सकता है आपके आर्टिकल अगर रैंक हो जाता है तो सेम एलगोरिजम लागू होता है कोरा पे भी कोरा पे भी बहुत सारे कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कोरा डायरेक्ट गूगल में आता है और कोरा के पे साइट पे जाता है वही सेम एल्गोजम यहाँ भी लग रहा है तो जब हम कोरा एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं इन तो साइटों को क्यों नहीं यूज कर सकते यहां पर हमें वही बेनिफिट मिल रहा है वहां पे भी वही बेनिफिट मिल रहा है कोरा बड़ा प्लेटफॉर्म है तो वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा ये दूसरा छोटा है तो यहां कम टाइम लगेगा लेकिन काम यहां भी होगा हमें गूगल से ट्रैफिक मिलेगा इनडायरेक्टली मिलेगा जैसे कोरा पे मिलता है इनडायरेक्टली ट्रैफिक मिलेगा अब मान लो इस बंदे ने यहाँ पे लिखा इस पर और ये बंदे का साइट आर्टिकल गूगल में रैंक हो गया अब जो है इस पर आर्टिकल पब्लिश किया उसने यहाँ पर लिंक डाला नहीं डाला इसकी मर्जी है यहां पर लिंक डाला वो ऑनलाइन सिलेनियम ट्रेन नहीं है इसका की है ठीक है सिलेनियम एक टेस्टिंग टूल है टेस्टिंग टूल है जो कि ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है किसी एप्लीकेशन को उसकी वर्ड पर ये जो है भाई साहब रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर अपने आर्टिकल पब्लिश किया अब याबसेरेनियम ट्रेनिंग पे दो लिंक डाला इन्होंने और ये अपना आर्टिकल यहाँ पे एक तीसरा लिंक डाल के हैदराबाद को पर पोस्ट कर दिया तो ये जो है ये आर्टिकल पब्लिश हो गया ठीक है उसी तरह दूसरा जो टैक्सी करके है टैक्सी डिस्पैच सेंटर ये कोई आर्टिकल है जो कि सेकंड पेज पे ये भी मुझे मिला ये रैंक कर रहा है यहाँ पे देखिए ठीक है तो ये जो आर्टिकल रैंक हुआ है यहाँ पर भी उन्होंने अपना आर्टिकल डाला हुआ है लिंक और यहाँ पे भी एक लिंक है और उसके बाद जो यहाँ पे नीचे जो सजेशन आ रहे हैं उस उसी से रिलेटेड सजेशन है न्यूज़ और अदर कैटेगरी ये आई डोंट नो किस में है अदर्स कैटेगरी से उठा रहा है ठीक है अदर कैटेगरी में और भी जितने भी हैं वो सारे सजेशन में दिखा रहा है ये ये न्यूज़ और अदर्स में दिखा रहा है ठीक है ये न्यूज़ का दिखा रहा है तो न्यूज़ में जितने भी हैं ये मोस्टली दिखा रहा है और कीप ऑन लोडिंग कर रहा है यानी कि ये हमारा अगर हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं किसी स्पेसिफिक न्यूज़ के अंदर या फिर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर अगर उस कैटेगरी में अगर पांच की रैंक हो गए गूगल में तो भाई साहब हमारा भी तो रैंक होगा इंडायरेक्टली हमारे भी तो नीचे सजेशन में आएंगे तो उनके खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं ठीक है यहाँ पे देखिए ये ये हमारे लिए जानना ज़्यादा जरूरी है यही हमारा मेन फोकस है कि हम कैसे करें इस चीज़ को ठीक है साइड में भी कुछ चीज़ के पोस्ट आ रहे हैं जो आज के पब्लिश के पोस्ट हैं आज के टूडेज पोस्ट राइट ये टूडेज टॉप पोस्ट को दिखा रहा है अब इस की इस टैक्सी वाले पे देखिए व्यू 224 व्यू है सिलेनियम वाले पे पता नहीं कितना व्यू था पाँच सौ व्यू है यानी कि 596 लोगों ने इसको देखा है ठीक है और अगर लगा लो 500 सौ लोगों लगाओ ढाई सौ लोगों को लगा लो देख लो देख लिया लेकिन हमारा एफर्ट क्या है इसको अगर हमारा एफर्ट देखा जाए तो हमें बस एक आर्टिकल पब्लिश करना है इस इसमें जाके ठीक है थोड़ा की ऑप्टिमाइज करना है और आपने को पब्लिश कर देना है इतना सारा काम करना है बस यही चीज़ को आप बार बार कर सकते हैं इसमें एक और बेनिफिट मुझे मिला जो मैं आपको आगे बताऊंगा ये साइट पे पहले चलते हैं ये साइट खुली है यहाँ पे अब आप समझ गए कि साइट का स्टेटिस्टिक्स क्या है कीवर्ड रैंक होने पे यहाँ पे आ रहा है यहाँ से आपके साइट पे आ रहा है तो हमें पूरा बेनिफिट पता हो गया कि भाई कीवर्ड रैंक हो गया तो हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा फेयर एंड इतना तो क्लियर हो गया अब बात करें पब्लिश कैसे करेंगे पब्लिश करने में क्या क्या कडवाटेज हैं आपको वो भी दिखाता हूँ सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और रजिस्टर पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा तीन चीज़ें भरनी है बस ई एड्रेस फोन नंबर और ये आपका पासवर्ड और आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर देना काम हो जाएगा अब यहाँ पर लॉग कीजिएगा और आप आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कीजिएगा एंड फाइनली यहाँ पर आप लॉग इन दबा दीजिएगा तो लॉग इन हो जाएगा आपके प्रोफाइल पेज पे आपको भेज देगा यहाँ पे आप मल्टी नीच चीज़ें भर सकते हैं आप डाल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिएगा जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक किए तो आपको यहाँ पे टाइटल कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है यही वो कैटेगरी है जहाँ से वो डेटा फेच कर रहा है दिखाने के लिए सजेशन में तो बी केयरफुल जो आप कैटेगरी देख रहे हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग साइट्स पे जाकर देखिए कि कौन सी कैटेगरी में क्या क्या डाला हुआ है जैसे कि फैशन में ठीक है फैशन के की कितने रैंक हुए हैं इसके फैशन के की में कौन सा की रैंक हो रहा है इसका उसी की से रिलेटेड कॉन्टेंट आप भी डालिए उन्हीं की को आप अपने आर्टिकल में पब्लिश कीजिए तो जाहिर सी बात है आपका सेकेंड जनरेशन में रहेगा है कि नहीं किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछेगा जरूर भाई लोग ठीक है अगर आप सेम चीज़ आप डाल रहे हैं तो आपका सेकेंड तो आप सजेशन में रहेगा जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है सजेशन आ रहे हैं नीचे इसमें भी सजेशन्स आ रहे हैं नीचे तो जो भी सजेशन आएंगे उसमें नीचे रहेगा तो सेम की यूज़ कीजिए उसी तरह के जिससे कि आपको बेनिफिट मिले अब यहाँ पे जैसे कि टाइटल है तो मैं एक आर्टिकल ये आर्टिकल खोला ठीक है ये आर्टिकल उठाया मैं डमी आर्टिकल डाल के दिखा रहा हूँ आपको दिल्ली कोविड का कुछ चक्कर था उस समय का है ठीक है यहाँ पे टाइटल डाल दिया आपने आप, आप मैं इसको अब न्यूज़ के अंदर डालता हूँ ठीक है न्यूज़ में आप जो भी डालें आप डाल सकते हैं किस टाइप का पोल टाइप का है न्यूज है नॉर्मल है सब सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपना कैटेगरी देखिएगा जो नियरेस्ट कैटेगरी मिलता है या फिर जो ओवरऑल ब्रॉड कैटेगरी मिलता है वैसे सब चीज़ को यहाँ पे डालने की कोशिश किया है ठीक है कार से रिलेटेड ब्यूटी है होम है क्या है? है, hotel, kid, toys, ये हैंडल है होम एंड होटल किड टॉय ये मोस्टली आपको मिल जाएगा लोकल बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो कंटेंट अपना डाल दीजिए कंटेंट बोले तो ये कॉन्टेंट उठाया आपने इतना ठीक है इतना उठाया जितना भी कोई लिमिटेशन नहीं है सॉरी कोई लिमिटेशन नहीं है आपने यहाँ पे आप, अपना आर्टिकल डाल दिया यहाँ पे इमेज में डालिए हेडिंग फुटिंग हेडर फुटर वगैरह सेलेक्ट कीजिए जैसे कि यहाँ पे ये हेडर डाला हुआ है ठीक है बोल्ड किया हुआ है तो इसको आप बोल्ड कीजिएगा पैरा पैराग्राफ कीजिए ये गूगल का पैरामीटर है मतलब कि हेडिंग्स वगैरह होता है तो गूगल को आर्टिकल स्कैन करने में ईजी होता है तो सीधे कॉपी पेस्ट मत मारिए सभी चीज़ें बेसिक चीजें हैं आई होप कि आप लोगों को पता होगा ठीक है ये पैराग्राफ नहीं है ये हेडिंग टू में आ गया ठीक है हेडिंग टू डाल दिया आपने और यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिंक है तो ठीक है लिंक नहीं है तो आप सपोज कि किसी कीवर्ड पे आप लिंक डालना चाहते हैं ये आपका मान लो कीवर्ड है इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ये यह आ जाएगा ऑप्शन अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे थ्री टैब में क्लिक कीजिएगा यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर जाके आप कोई भी लिंक डाल सकते हैं जो भी आपको मर्जी आप लिंक डालिए यहाँ पर ठीक है सेव कर लीजिए इसको यहाँ पर लिंक डल गया लिंग मतलब कम समझ में आ गया ये तीन चीज़ें यहाँ पे कीजिए चौथी चीज़ यहाँ पे टैग्स है टॉक्स टैग्स के में आपको टैग डालना है यही वो टैग है जो कि ये इंटरनली यूज़ करेगा वेबसाइट ठीक है यहाँ पे डाल के एंटर मार दीजिए ये टैग सेट हो गया सपोज़ कि दूसरा है इसको उठाइए कॉपी करके यहाँ पर पे पेस्ट कर लीजिए जो भी टैग्स आप करते हैं एंटर मार दीजिए काम हो जाएगा ये जो है फीचर इमेज के लिए फीचर इमेज में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लाइव इमेज मांगेगा जो आप कहीं किसी यू से दे सकते हैं आप सपोज कि आप चलते हैं हम यहाँ पे पिक्सा में ठीक है पिक्सा पे खोला आपने पिक्सा पे से कोई को भी इमेज उठा लेते हैं जिस इमेज का आपको जरूरत है जो भी आप चाहें सपोज कुछ ये हम तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस उठा लिया आपने यहाँ कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद यहाँ पे जाइए और यहाँ पे यू पेस्ट कर दीजिए तो जाहिर सी बात है कि जो इमेज जो आप लगाएंगे ये आप अपने ब्लॉग पे जो भी पोस्ट किए हैं उसका उससे रिलेटेड आपको इमेज होगा पब्लिश होगा तो आप उसको उठा लीजिए नहीं तो पिक्सा भी इसे उठा लीजिए क्या दिक्कत है इसको नॉट वैलिड इमेज यूवाल कुछ गड़बड़ गड़बड़ल उठा लिया था क्या मेरी साइड पर कोई यूवाल है क्या यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ सही खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है खुल रहा है ठीक है एक बार चेक कर लीजिए खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है कुछ ग्लोबल होता है यूआरन में ठीक है ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखा नहीं रहा है या, इमेज सेट कर सकते हैं कुछ होगा इश्यू इसमें यहाँ पे जो, जो दूसरा एडवांटेज इसमें पब्लिश करने के लिए क्या है ये बहुत बहुत काम का चीज़ है आप काम का चीज़ कैसे है कि आप पब्लिश डेट डाल सकते हैं सपोज कि आप बैठे सैटरडे को भाई आज पांच आर्टिकल उठाया मैंने पब्लिश किया था एक हफ्ता उन्हीं पांच आर्टिकल को यहाँ पब्लिश कर दीजिए और एक एक डेट मार दीजिए कि हर दूसरे दिन यहाँ पब्लिश हो जाना भाई ठीक है तो यहाँ पर भी काम चल जाएगा ये आपका मेन एक एडवांटेज है इसको आप यूज़ कर सकते हैं पच्चीस तारीख छब्बीस तारीख जब भी आपको लगाना है डेट टाइम सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं आप इमीडिएटली अभी आपके लिए मैं इमीडिएटली पब्लिश करके दिखाता हूँ कि ये पब्लिश हो रहा है कि नहीं यहाँ पर जाने के बाद फाइनली आप क्रिएट कर दीजिएगा ऑलरेडी बिन टेकन टाइटल है ओके ओके ऑलरेडी ये मैंने रजिस्टर किया था इसलिए दिखा रहा है टू मार दिया इसको क्रिएट किया टाइटल यूनिक बोल रहा है डिस्क्रिप्शन इज टिक्वाट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा तो कुछ डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं भाई ये सभी चीज़ें जरूरी है ठीक है आपको ये अच्छे से करना है अच्छे से करने का मतलब है कि सोच समझ करना है कि डिस्क्रिप्शन ही कोई पढ़ के आता है मैं जो डाल रहा हूँ ये डमी डाल रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हाँ ऐसे डालना है इसी तरह उठाकर कॉपी पेस्ट नहीं करना आप अपने हिसाब से टाइटल बढ़िया सोचिएगा अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो लिखेंगे ना आप वही डिस्क्रिप्शन यहां आएगा भाई मेरे यही पढ़ते हैं लोग ठीक है ये पढ़ेंगे फिर वही आएंगे तो अच्छा से डिस्क्रिप्शन लिखिएगा और फाइनली ये सभी से चीज सेट करने के बाद इमेज उमेज लगाइए इसके अंदर जे आई एफ लगा सकते हैं इमेज का ऑप्शन दिया है यहां पर इमेज आप जाके लगा सकते हैं कोई भी इमेज चाहे तो कौन सा इमेज खुल गया खैर जो भी है तो इमेज लगा सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट इमेज कर दीजिए इसको क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए जैसे क्रिएट पे करेंगे ये पब्लिश हो जाएगा इमीडिएटली सी नाउ यू कैन सी कि आपका जो है आर्टिकल पब्लिश हो चुका है यहाँ पे ठीक है आर्टिकल पब्लिश हो गया है यहाँ पे आपको लिंक भी मिल गए यहाँ पे आपने दो लिंक डाला था एक हमने एक हैश लगाया था सिर्फ तो ये हैश आएगा और ये लिंक देख ले रहे हैं कि ये डू फॉलो है कि नो फॉलो है ये डू फॉलो लिंक ही है आई नो दिस मैंने देखा था और आपको दिखा देता हूँ एक बार देखिए ये स्टाइल ए एच एफ के अंदर सीधा डायरेक्ट लिंक है नो नो फॉलो का कहीं कोई जिक्र नहीं है ये हंड्रेड फट डू फॉलो बैक लिंक है ठीक है तो लिंक विंक भूल जाइए बट ये जो मैं आपको बताया यूसेज जो मेन हमारा जो ये कीवर्ड रैंकिंग का चक्कर है ये बहुत काम का चीज है इसके हिसाब से इससे रिलेटेड आप आर्टिकल लिखिएगा सीडीनेम ग्रिड एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मान लीजिए आप लिखना लिखा आपने या थी फिर फिर अपने टॉप टेन से लेटेम ग्रेड एक्स्ट्रा करके कुछ आईट तो सेम कीवर्ड यूज होगा अगर ये ये रैंक होगा तो जाहिर सी बात है इसके नीचे पहला सजेशन जो है आ, आ, आपको जो नीचे आएगा वो आप ही किस आर्टिकल का आएगा तो दिस इज वॉट यू हैव टू थिंक कि कैसे आप इस को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग में यही होता है लोग सक्सेस होते हैं कुछ फेलियर हो जाते हैं एनालिसिस मैटर करता है कि क्या आपको कैसे कहाँ क्या स्टेप लेना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो आशा करता हूँ भाई लोग समझ में आया होगा किसी तरह कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट वमेंट कीजिएगा अच्छा लगता है कमेंट देख के एंड जो लोग नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच वॉचिंग बाय टेक केयर